नमस्कार, मैं निजो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी कनेक्ट पे। तो जी हां, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं और आज पहली बार हमारे साथ यानी कि भोजपुरी कनेक्ट पे पता है कौन है? बवाल एक्ट्रेस, एकदम ना धमाल मचाती है और जब भी आती है ना फिल्मों पर पर्दे पर और भैया एकदम सीटियां मारते, लोग सीटियां उखाड़ उखाड़ के थिएटर में देखते हैं। कैमरामैन भाई साहब इधर सेट आओ और मैडम पे लुक दिखाओ जरा। सबसे पहले स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, दुआ इंडस्ट्री वालों की। मैडम सबसे पहले दो भाई की जोड़ी काजल राधवानी, कुछ नया कॉन्सेप्ट है और फर्स्ट टाइम हम साथ में करने जा रहे हैं। दो भाई जो है वो है अंकुश राजा जी, उनके साथ हम लोग फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं। आई होप कि भगवान साथ दे, आप लोग साथ दे तो बहुत अच्छा हम लोग करेंगे और बहुत अच्छा जाएगा। दो भाई जो बवाल तरीके से मचाते हैं, एकदम गाने एकदम मिलियंस व्यू है, तो उन्होंने बवाल मचा के रखा है। बस अभी हम लोग मूवी साथ में कर रहे हैं और बस अभी भोलेनाथ की धरती पे हैं, बनारस में हम शूट कर रहे हैं, तो बस उम्मीद है भगवान हमारे साथ रहे और जैसे गानों में धमाल मचा के रखे हैं और हम लोग ने मूवी में, तो उसी तरह से ये पैर मूवी और गानों की पूरी बवाल मचा दे। फिल्म का टाइटल ये तू मेरी मोहब्बत है, दो भाई हैं, आप एक हीरोइन है, किसको आप किसकी तरफ जाने वाले? वो तो आप सबको मूवी के बाद ही पता चलेगा कि मैं किसकी तरफ मोड़ लेती हूँ लेकिन स्टोरी बहुत प्यारी है, लव स्टोरी है, फुल ड्रामा है, फुल एंटरटेनमेंट है और आप सबको बहुत पसंद आएगी। और अंकुश राजा जी के साथ फर्स्ट टाइम करने जा ही रही हूँ और पहली मूवी उनके साथ है, तू मेरी मोहब्बत है, तो मैं किसकी बनती हूँ, अंकुश जी की या फिर राजा जी की? तो फिर वो देखने के लिए आपको मूवी तो देखनी पड़ेगी। मैम कहीं ये तो नहीं है कि दो लोगों के साथ में आप कहीं तीसरे के साथ निकल रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा इतना भी धोखा नहीं दूंगी मैं किसी की तो हो रही हूँ पक्का है कि दो में से किसी एक की आप बन रहे हो? हाँ। जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिल्म के डायरेक्टर हैं सूरज जी, जिनके साथ मेरी पहली फिल्म थी दीवानापन, जो कि केसारी जी के साथ और मैं उसमें लीड कर रही थी। वो बहुत अच्छी फिल्म बनी थी और बहुत अच्छी शूट भी उन्होंने किया था, बहुत अच्छा वर्क करते हैं सूरज जी और बहुत अच्छी डायरेक्टर है। और उनके साथ मेरी ये दूसरी फिल्म होने जा रही है, वैसे तो उन्होंने काफ़ी फिल्में करी है और मेरी बट उनके साथ दूसरी फिल्म है और मेरे लीड कैरेक्टर्स हैं हमारे जो को एक्टर है वो है अंकुश राजा जी। बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए, हमारी पूरी टीम बहुत अच्छा वर्क करे, हमारी पूरी टीम को आशीर्वाद दीजिए कि बहुत अच्छी फिल्म बने और आप सबको बहुत पसंद आए। किस तरीके का कैरेक्टर होता है? आप अपने फिल्मों में हमेशा कुछ ना कुछ नया गेटअप इस्तेमाल करते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट, तो इस फिल्म में जो मोहब्बत है किस तरीके के कॉलेज गर्ल बनने वाले हैं या फिर विलेजर है, किस तरीके का कैरेक्टर है? हाँ, हम लोग कॉलेज में भी है, लव स्टोरी भी चल रही है और कॉलेज स्टूडेंट्स हैं हम लोग और उसमें लव स्टोरी है, उसके बाद जो 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 चीज़ें होती है, फिर ऐसा लगेगा कि मैं स्टोरी बता रही हूँ आपको, तो मैं बताऊँगी नहीं, बट हम लोग मतलब यंग दिखाए हैं सब लोग और हम लोग बहुत मस्ती करने वाले, बहुत धमाल मचाने वाले हैं सेट पे। बनारस में आप पहली बार आए, मतलब फिल्म के लिए आप पहली बार आ रहे हैं, तो कितना ज़्यादा होने वाला है शूटिंग का डिफरेंट? बहुत अच्छी लोकेशंस हैं यहाँ पे और वेदर भी अभी बहुत अच्छा चल रहा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, मतलब मौसम बहुत प्यारा हो गया है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि धूप बिल्कुल भी नहीं है, मैं धूप में बहुत आलसी हो जाती हूँ और अभी ठंडा ठंडा मौसम है तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आएगा शूट करने में। मैम अब बात करते हैं आपकी फिल्मों की, लिट्टी चोखा बन के तैयार है, थिएटर भी खुल चुके हैं, रिलीजिंग के लिए तैयार है, हालांकि थोड़ा सा टाइम है, क्या कहना चाहेंगे जो थिएटर खुल चुके, जो ऑडियंस जाना पसंद करते, आपको देखना पसंद है, फिल्मों के बारे में क्या राय? फिल्में अभी बारी बारी रिलीज हो रही हैं, अभी सबकी फिल्में रिलीज हो रही है, हमारे यहाँ पे जैसे अभी सिचुएशन जो कोविड का चल रहा है उस हिसाब से फिल्में ज्यादातर थिएटर में रिलीज करने का परमिशन नहीं है, लेकिन बारी बारी एक साथ तो सबकी फिल्में लग नहीं सकती और इतनी सारी फिल्में बन के रेडी है तो किसी को मतलब टाइम तो लगेगा ही, दो हफ्ते तीन हफ्ते, जिस तरह से ऑडियंस फिल्म को प्यार दे रही है, जितना उनको सपोर्ट कर ये देख रही है, उस हिसाब से टाइम तो लगना है और थिएटर्स भी हमारे बहुत कम हो चुके हैं कोविड की वजह से, तो देखिए कि अभी कब रिलीज होती है फिल्म, हम खुद भी वेट कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी रिलीज हो मूवी हमारी, लेकिन अभी जैसे थिएटर्स की कमियों की वजह से टाइम लग रहा है, तो देखिए कब आती है, बट हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि आप सबको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छी स्टोरी वो भी है, लिट्टी चोखा बहुत प्यारी बनी है और भी कई सारी फिल्में हैं जो आने वाली है। हाल ही में आपने कैसे उजाला प्यार बॉम्बे में शूट किया, धर्मा आपने अयोध्या में शूट, धर्मा कैसे उजाला प्यार और भी एक जो फिल्म है लंदन में करके आई हूँ, उसका नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि पोस्ट वो प्रोडक्शन ऐसे नाम क्लियर, हाँ नाम क्लियर नहीं किया है, बट वो भी बहुत प्यारी है, उसका जल्दी पोस्टर रिलीज होने वाला है तो वो भी आप सबको देखने मिलेगा। एक लास्ट सवाल, दो पावर स्टार
एक पावर स्टार एक सुपर स्टार की साड़ी ला लिया, तेरे मेरे दरमियान और एक करंट, देखा गाना? हाँ, मैंने दोनों गाने देखे और दोनों ही करंट वाला लाइक एंटरटेनिंग है पूरा, और तेरे मेरे दरमिया वो लाइक सैड वर्जन है, दोनों बहुत ही प्यारे सॉन्ग्स हैं और बहुत अच्छे उन्होंने गाया भी है। सो बस सबको ऑल द बेस्ट, और हमारे इंडस्ट्री के हमारे सिंगर्स जो है बहुत आगे बढ़ रहे हैं और कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है वो देख के। भोजपुरी इंडस्ट्री का जो लेवल है भोजपुरी तक था, अब वो धीरे धीरे हिंदी का लेवल, एकदम बड़े बड़े कोरियोग्राफर, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि भोजपुरी का विकास कहाँ तक? नहीं, वही बोल रही हूँ कि आफ्टर कोविड सब लोगों ने बहुत उस पर फोकस किया, इंडस्ट्री पे कैसे बढ़ाना है सब लोगों ने बहुत सोचा उसके लिए, तो मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद करूँगी कि कुछ नया कर रहे हैं, हिंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। इवन पवन जी अभी बहुत सारे उनके सॉन्ग्स आए हैं हिंदी के, और उन्होंने बहुत अच्छा गाया भी है, वो अच्छे सिंगर तो है ही, सिंगर है ही वो, और बस हमेशा ऐसे ही करते रहे वो लोग, यही दुआ करती हूँ मैं, और सब लोग आगे बढ़े, सब लोग अच्छा अच्छा काम करे, बस यही चाहती हूँ। एक अफवाह ये भी उड़ रहा है कि आप भी हिंदी में गाने करने वाले हैं, हिंदी में, क्या ये सच बात है? अभी तक मुझे पता नहीं है, बट करूंगी तो मैं जरूर बताऊंगी। सोशल मीडिया में उड़ रहा है कि काजल राघवानी भी बॉलीवुड की तरह, मतलब बॉलीवुड में किसी गाने में मतलब डांस करते हुए नजर आने वाली है। आ सकती हूँ, जब आएगा तो बता दूंगी। आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें, कौन कौन सी आने वाली है फिल्में? जैसे कि अभी आपने भी बताया धर्मा, कैसे हो चला प्यार, लिट्टी चोखा, और भी फिल्में हैं जिसका अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि 2 साल हो चुके हैं कोविड की वजह से। अभी लंदन वाली एक फिल्म है, और कल्लू जी के साथ है, रितेश जी के साथ है, कई फिल्में हैं, चिंटू जी के साथ है, गोरखपुर में भी शूट, इश्क है, ससुरा बड़ा सतावेला है, और कई फिल्में हैं। हाँ, इश्क, ससुरा बड़ा सतावेला, बहुत सारी फिल्में आ रही है। जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको समझते हैं, जो आपकी तरह रील्स वाले के लिए, जो आपके गाने पे रील्स बनाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? जो रील्स वाले, जो रील्स जो आपके वीडियो पे बनाते हैं ना, उनके लिए मैसेज क्या है, जो आपको समझते हैं, जो मुझे समझते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, उसके लिए बस तहे दिल से शुक्रिया अदा कहूंगी, और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इतना प्यार दे रहे, मुझे समझ रहे हैं, आप ही बस ऐसे लग रहे हैं आप ही मेरे लिए भगवान हैं। और जो लोग मुझे गलत समझते हैं, जो मतलब पता नहीं क्या सिचुएशंस कैसी बनती है, क्या लोग भड़काते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, आई डोंट नो, बट जो भी लोग हैं उन सबसे बोलूँगी कि अगर आप लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते तो प्लीज़ गलत भी मत सोचिए मेरे लिए, बिकॉज मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए कुछ करूँ। यहाँ पे मुझे बहुत ट्रॉल किया जाता है कि मैं गुजराती हूँ, बट मैंने अपने 8-9 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, मैं गुजरात भी नहीं गई हूँ जितना मैं उतना बिहार, यूपी, MP वैसे सब घूम चुकी हूँ, और यहीं पर रहती हूँ, मैं अपने घर भी नहीं जा पाती हूँ। तो मीन्स कहना बस यही चाहूँगी कि मैं, मेरा दिल सब कुछ यहीं से जुड़ा हुआ है, और हाँ मैं गुजरात से भी जुड़ी हुई हूँ, वो मेरी मातृभूमि है, ये मेरी कर्मभूमि है, तो मैं इसकी ज़्यादा वैल्यू करती हूँ, दोनों की ही वैल्यू करती हूँ। बस आप मुझे कुछ गलत मत समझिए, और प्लीज़ गलत कमेंट्स मत करिए, मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ, बिकॉज हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग की आशीर्वाद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप उतना प्यार दीजिए हमें। थैंक यू मैडम। थैंक यू। तो ये थे काजल राघवानी जी, जिन्होंने बता दिया कि भैया धमाल धमाल फिल्में आने वाली है, और अंकुश राजा के साथ ना शुरू कर रहे हैं मोहब्बत वाली फिल्म। तो ऐसी खबरों के लिए फटाफट इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।